ये मैं नहीं कह सकता कि हिंदी इंग्लिश में अलग अलग है कि एक जैसा है, इसलिए एक आर्टिकल हिंदी वाली कुरुक्षेत्र से पढ़ेंगे, एक आर्टिकल इंग्लिश वाली से पढ़ेंगे। समझा, मैं दोनों को दूंगा, है ना, कि हो सकता है थोड़े थोड़े अलग अलग आर्टिकल्स हो। अब ये यूपीएससी पीएससी, एक तो डेली यूपीएससी वालों के फोन आते हैं, बैच अलग कर दो। दुनिया की एक ऐसी कोचिंग बताओ दिल्ली में जो यूपीएससी पीएससी अलग पढ़ाती हो, दुनिया की एक। मेरे पास परेशान है, दृष्टि जाओ बोलोगे आईएएस करना, बोले बैठ जाओ, बोले पीएससी करना, बोले बैठ जाओ, क्यों, चीज तो वही है ना, बस क्वेश्चन का लेवल बदल जाता है। बाजीराम जाओ बोले आईएएस करना, बोले बैठ जाओ, धे बाजीराम, दृष्टि, श्रीराम, विजन, कोई तो दुनिया में कोचिंग बताओ जो आईएएस पीएससी अलग पढ़ाती हो, एक दुनिया की कोचिंग बताओ ना जो अलग पढ़ाती हो। जैसे मैं गया रामेश्वर सर के इकोनॉमी पढ़ने, आईएएस के इकोनॉमी तो वही बैच है, पीएससी इकोनॉमी तो वही बैच है, क्योंकि इकोनॉमी इकोनॉमी होती है, हिस्ट्री हिस्ट्री होती है, ज्योग्राफी ज्योग्राफी होती है, पॉलिटी पॉलिटी होती है। सर जी बुला रहे, चलो ठीक है। इसलिए समझ में नहीं आता क्या पर्पज है, मैं तो समझा समझा के थक गया हूँ। बस अंतर क्या है कि यूपीएससी में विश्व भूगोल आती है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध आती है, जो पीएससी में नहीं आते, और पीएससी में एमपीजी के आता है। तो जब एमपीजी के पढ़ाएंगे तो पीएससी वालों को अलग कर देंगे, और जब वर्ल्ड हिस्ट्री और आईआर पढ़ाएंगे तो यूपीएससी वालों को अलग कर देंगे। जहाँ जहाँ अलग कॉमन है वो साथ में पढ़ेंगे। दूसरा, योजना कुरुक्षेत्र। चलो अब हमें आज पढ़ना है ये, भैया जिसको नहीं मिली ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर हिंदी वालों का भी पहले आर्टिकल पढ़ा रहे हैं, पेज नंबर 21 21। ऐसा करो जिनके पास नहीं है, किनके पास नहीं है, अच्छा एक टेबल में एक है एटलीस्ट, एक एक भी नहीं है, कोई ऐसी टेबल है जिसमें, टेबल पूरी टेबल में देख लो, एक बीच में रख लो, पड़ोसियों की हेल्प कर दो। जिनके पास एक टेबल में दो दो तीन तीन कुरुक्षेत्र है, तो कुरुक्षेत्र का पेज नंबर 21 आ गई। एक भरत लेना है, जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट, यहां समझो यूपीएससी में सीधे दिया गया है सिलेबस में, सुन लो। अब बात क्या हो रही, मिल गई सबके पास मैगजीन। अब पीएससी में अलग से एक यूनिट है, जो पीएससी में इतना है कि जल प्रबंधन अलग से एक यूनिट है, वाटर मैनेजमेंट की यूनिट है, पेपर वन पार्ट बी और यूनिट फोर। तो पीएससी में अलग से एक यूनिट है और यूपीएससी में एक टॉपिक है, बस इतना अंतर है कि वाटर मैनेजमेंट यूपीएससी में भी पर एक टॉपिक है और पीएससी में पूरी एक यूनिट है आपदा एवं जल प्रबंधन के नाम से, डिजास्टर एंड वाटर मैनेजमेंट। टोटल यूनिट ये 30 मार्क्स का आता है, 15 नंबर का डिजास्टर मैनेजमेंट आ जाता है, 15 नंबर का वाटर, मतलब ये मैगजीन आपके 15 नंबर तो सीधे पेपर जीएस से देगी, और यूपीएससी में अब 150-250 में से जो आ जाए उस हिसाब से वो आ जाता है। तो यूपीएससी में टॉपिक है तो या तो वो 150 वर्ड में पूछेगा या 250 में पूछेगा, यूपी और पीएससी में पेपर वन पार्ट बी यूनिट फोर में पूछेगा, और निबंध में ऐसे में एक करंट के मुद्दे चलते रहते हैं उसमें से पीएससी का आता है, और यूपीएससी में ऐसा कुछ डिवाइड ही नहीं किया कि करंट का पूछेंगे कुछ पूछेंगे यूपीएससी। तो निबंध में पूरा पूरा रोल है इसका, सीधे एक निबंध आ गया तो अगर 500 शब्द में भी आ गया तो 25 नंबर का निबंध आ गया। तो अगर आपकी किस्मत अच्छी रही और जल प्रबंधन से जुड़ा हुआ एक निबंध 25 नंबर का आ गया और 15 नंबर का अलग से आ नहीं है, तो टोटल कितने नंबर का हो गया, 40 40 नंबर का, और हर एक सब्जेक्ट पीएससी में 40 का, पूरे एक सब्जेक्ट 40 का, ये मैगजीन अकेले 40 की। अब इंग्लिश मीडियम वाले, जब इंग्लिश मीडियम वाले पीएससी का निबंध लिखेंगे तो उन्हें निबंध हिंदी में लिखना है, इसका मतलब उन्हें हिंदी भी लिखनी आनी चाहिए उतनी ही अच्छी जितना हिंदी वाले लिखेंगे, तो उस पर उन्हें उस पर भी काम करना है। तो हम पेज नंबर 21 में पढ़ रहे, पहला जो है जल संसाधनों का उपयोग और संरक्षण, यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन, इसका मतलब ये होगा। अब एक एक करके देखते हैं, तो जो पहला पैराग्राफ उसका कोई मतलब नहीं है, दूसरे पैराग्राफ में बहुत अच्छी चीजें लिखी। सबसे पहले ये लिखा है कि
कि यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र ने, इसकी क्लास पिछले संडे को हो गई है, उसका वीडियो चाहे तो यूट्यूब पर डाल देंगे। संयुक्त राष्ट्र ने सबसे पहले 2000 से 2015 के लिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बनाए थे, सहस्त्राब्दी। विकास लक्ष्य, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। जब 2000 आया होगा, नई सदी आई होगी, तो नए गोल आए होंगे। तो यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र ने 15 सालों के लिए कुछ गोल बनाए थे जिन्हें बोलते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। जब 2015 कंप्लीट हुआ तो फिर 2015 से 30 तक फिर से नए गोल बनाए जिन्हें बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य। इसमें 17 गोल्स हैं और 169 टारगेट्स हैं। हिंदी में इसको लक्ष्य बोलते हैं और इसको उपलक्ष्य बोलते हैं। तो पहले यूनाइटेड नेशन ने पूरी दुनिया के लिए 15 गोल डिसाइड किए थे, जैसे भुखमरी आधी करना है, गरीबी को इतने परसेंट से कम लाना है, इतने लोगों तक पानी पहुंचाना है। ये किस मंथ की है? ये जुलाई मंथ की है, ठीक है, जुलाई मंथ की बैग जी ने। तो 2000 से 15 तक कुछ गोल बनाए थे। ये सब ऐसे में काम आता, ये सब जो बैकग्राउंड बता रहे ना कि ऐसा कुछ गोल बनाते, ये सब निबंध में लिखोगे, नहीं तो 1000 शब्द क्या लिखोगे। हैं यूपीएस में तो 1250 तक आता। तो 2000 से 15 शब्दों में एमडीजी आया था, कुछ गोल आए। पर 2015 से 2030 के लिए क्या आए? एसडीजी, सतत विकास लक्ष्य, जिसमें 17 गोल थे और इन 17 गोल के अंदर 169 टारगेट्स थे। मतलब 17 लक्ष्य थे और उन लक्ष्यों को 169 उप लक्ष्यों से पाना था। अब गोल टारगेट में अंतर किया, जैसे आपका गोल है पीएससी में सिलेक्शन, अब पीएससी में सिलेक्शन के लिए कुछ आप टारगेट्स बनाओगे, जैसे कि भैया जुलाई मंथ में इतने सब्जेक्ट पूरे होना चाहिए, अगस्त में ये सब्जेक्ट पूरा हो जाना चाहिए, सितंबर में ये होना चाहिए, अक्टूबर में होना चाहिए, नवंबर में होना चाहिए, क्योंकि 24 नवंबर को हमारा एग्जाम है। तो आपने एक गोल सेट कर लिया कि आपको अपना एग्जाम क्रैक करना है, उसके लिए आप छोटे छोटे टारगेट बनाओगे। तो एक बड़े से, मतलब जो गोल होता है वो एक बड़ा, एक ब्रॉडर पिक्चर होती है, और टारगेट होता है उस गोल को पाने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य, ठीक है। जैसे हमने कितने गोल्स बना दिए, 17, और हमने कितने टारगेट्स बनाए, 169। इस 17 में जो छठवें नंबर का गोल है वो वाटर मैनेजमेंट के लिए, छठवां गोल लिखा है कि सभी लोगों को स्वच्छ पानी दिलाना है। तो जब भी वाटर मैनेजमेंट का कोई क्वेश्चन आएगा जीएस में, तो आप कंक्लूजन में लिख सकते हो कि यदि हम सबको, जैसे एक जल वो आया जल जीवन मिशन, जिसमें 2024 तक हर घर तक पाइप से पानी पहुंचाना है, तो उसके कंक्लूजन में लिख सकते हो कि इससे, है ना, इससे न केवल संविधान का आर्टिकल 47, हमारा डीपीएस भी जब 47 पढ़ोगे तो यहाँ लिखा है सरकार की जिम्मेदारी है वो पब्लिक या नागरिकों के पोषण और स्वास्थ्य का न केवल देखभाल करे बल्कि इसका स्तर भी बढ़ाए। मैंने जो हमारे नागरिकों का न्यूट्रिशन लेवल है, पोषण स्तर है और स्वास्थ्य का स्तर है, उसको बढ़ाए। ये किस में लिखा? 47। और अगर सबको साफ पानी पहुंचा दिया तो क्या लोगों के स्वास्थ्य का स्तर बढ़ जाएगा कि नहीं? अभी पढ़ेंगे कि गंदा पानी पीने से कितने लोग बीमार होते, कितने लोग मर जाते। तो अगर हम सबको साफ पानी दे देंगे तो आर्टिकल 47 की प्राप्ति होगी कि नहीं? तो ना केवल संविधान के अनुच्छेद 47 आर्टिकल 47 की प्राप्ति सुनिश्चित होगी, बल्कि यूएन के, संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के छठवें लक्ष्य को भी प्राप्त किया जा सकेगा। तो जब भी वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया 200 में और हमें लगता है हमें अच्छा सा कंक्लूजन देना है, तो हम संविधान का आर्टिकल 47 और एसडीजी का आर्टिकल नंबर, उसका गोल नंबर 6, ये कार्य करना। तो इसमें जो पहला पैराग्राफ बोला गया है वो ये बोला गया है कि एसडीजी के 17 गोल हैं, 17 में से जो छठवां गोल है वो पानी से रिलेटेड है डायरेक्ट, क्यों सीधे पानी लिखा। और इसमें जो 13वां गोल है, जो 13 गोल है, वो इनडायरेक्टली जुड़ा है क्लाइमेट एक्शन, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से पानी पे ज्यादा फर्क पड़ रहा। तो अगर हम पानी को बचा लेंगे तो जो 13th नंबर का गोल है उससे भी हम बचाव कर सकते हैं। तो इस पैराग्राफ में लिखा है कि 17 गोलों में जो छठवां गोल है वो पानी से जुड़ा है डायरेक्टली, और जो 13 नंबर का गोल है वो इनडायरेक्टली जुड़ा है। इसके अलावा टोटल टारगेट्स कितने हैं? 169 में 59 आई थिंक, हाँ 169 में 59 टारगेट्स डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पानी से जुड़े। तो 17 गोल्स को पाने के लिए 169 टारगेट्स हैं। इन 169 टारगेट्स में कितने पानी से जुड़े हैं?
ये डायरेक्ट भी जुड़े हो सकते हैं इनडायरेक्ट, जैसे बोला स्वास्थ्य, तो अगर जैसे ही स्वास्थ्य बोल दिया तो उसमें पानी आ जाएगा, सैनिटेशन स्वच्छता बोल दिया तो भी पानी आ जाएगा। तो क्या स्वच्छता में या हाइजीन में पानी नहीं आता? आता है। तो आपको पहली चीज तो ये दो चीज याद रखना है कि 17 में कौन सा गोल पानी से जुड़ा हुआ है और टोटल 169 में कितने टारगेट्स ऐसे हैं जो पानी से जुड़े, कितने हैं, ठीक है। ये किसकी बात हो रही है? ये हो रही SDG सतत विकास लक्ष्य, कब से कब तक के लिए? 2015 से 2030 के लिए। अब इसमें कुछ डेटा दिए बहुत अच्छे, जैसे पहली चीज ये बोल रहे हैं कि 20वीं सदी में 20th सेंचुरी में जो पिछली सदी थी उसमें दुनिया की आबादी 3.8 गुना बढ़ गई। तो आबादी बढ़ गई, जो पॉपुलेशन है वो बढ़ गई 3.8 टाइम्स। इसके बाद अगले 50 साल में फिर से कितने बढ़ जाएगी? 50 से 60% और बढ़ने वाली है, 40 से 50। ये कह रहा है कि आबादी पहले से ही हम बढ़ा चुके हैं लगभग 3.8 गुना, और अगले 50 साल में फिर से ये 1.5 गुना और हो जाएगी। तो आबादी कितनी बढ़ने वाली है? 1.5 गुना लगभग अगले 50 साल में। और साथ में अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। तो उन्होंने कहा आबादी तो बढ़ी रही, साथ में गांव कन्वर्ट किसमें हो रहे हैं? शहरों में। धीरे धीरे गांव किसमें हो रहे, और धीरे धीरे उद्योग खुल रहे। इससे क्या हो गया कि पानी की जो डिमांड होगी वो 5 से 6 गुना ज्यादा। तो आबादी भली 5-6 गुना ना बढ़े, आबादी केवल 50-60% बढ़े, मतलब आबादी ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी 1.5 गुना 1.5 टाइम्स, लेकिन गांव के शहर में बदलने से और ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज खुलने से पानी की डिमांड कितने गुना हो जाएगी? और ये अगले 50 सालों में होने वाला है। और इसमें बोला आज की हालत ये है, इसकी हालत है कि आज 1.3 अरब 1.3 बिलियन लोगों के पास साफ पानी नहीं है, और 2.7 अरब लोगों के पास आज स्वच्छता नहीं है। तो आज की बात बता रहे, उसमें लिखा कि दुनिया में आज जितनी आबादी है उसमें 1.3 बिलियन लोगों के पास साफ पानी नहीं है और 2.7 बिलियन लोगों के पास स्वच्छता या सैनिटेशन नहीं है, ठीक है। ये आज की हालत है, जबकि आगे चल के जब आबादी 40 से 50% बढ़ेगी और पानी की डिमांड 5 से 6 गुना बढ़ेगी तब क्या होगा? जब आज अरबों में ऐसे लोग हैं जहाँ ना तो पानी है ना स्वच्छता है, तो आज से 50 साल बाद क्या होगा जब पानी की डिमांड 5 से 6 गुना बढ़ जाएगी? देखो क्या होता है, जब इस मैगजीन को पढ़ लोगे तो निबंध के लिए आपके पास शब्द कम नहीं रहेंगे, थॉट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, डेटा बहुत आएगा, और निबंध में मार्क्स तभी मिलेंगे जब आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आंकड़े हों। पहली चीज़ समझ में आ गया। अब देखो WHO क्या कह रही है, WHO कह रही कि दुनिया में हर दिन 3900 बच्चे डायरिया पानी से मर जाते हैं, वाटर बोर्न डिसीजेस से मर जाते हैं हर दिन 3900। WHO का कहना है कि हर दिन पानी से जुड़ी हुई बीमारियों से कितने लोग मर जाते हैं? 3900 बच्चे हर दिन मरते हैं, हर दिन पर डे इतने लोग मरते हैं, जिसमें से अकेले 2272 लोग डायरिया से मर जाते हैं। तो ये डेटा याद रखना है, WHO का कहना है कि हर दिन पानी से होने वाली बीमारियों की वजह से 3900 बच्चे मर जाते हैं, उनमें से अकेली डायरिया डिसीज से कितने मर जाते हैं? 2272। ये तो दुनिया का है, ठीक है। इसमें से 2272 बच्चों में से, इसी में से इतने बच्चे तो 5 साल से छोटे हैं, 1438 बच्चे। मतलब डेली पानी से कितने लोग मरते हैं? पानी की कमी से नहीं मर रहे, पानी से होने वाली बीमारियों से। तो हर दिन पानी से होने वाली बीमारियों से 3900 बच्चे मरते हैं, जिसमें अकेले डायरिया से 2272 बच्चे मरते हैं, और डेली जो 2272 बच्चे मरते हैं उनमें से 1438 बच्चे ऐसे हैं जो 5 साल से छोटे। ये दुनिया की डेटा है, जितने लोग गंदे पानी की वजह से मर रहे। अब अगर हम भारत की बात करें तो हर 5 मौतों में से 1 मौत पानी की वजह से हो रही है, ये भारत का डेटा है। मतलब 20% डेथ हमारी देश में वाटर बोर्न डिसीज या जल जनित रोगों से हो रही। तो दुनिया का डेटा क्या है, दुनिया में लोग कितने मर रहे हैं, बच्चे कितने मर रहे हैं? 3900 बच्चों की बात हो रही, क्योंकि बच्चे ज्यादा इन्फेक्टेड होते हैं। 3900 में से डायरिया से अकेले कितने मर रहे हैं, उसमें से 5 साल से छोटे वाले। भारत में इस बीमारी का या इस डेथ का आंकड़ा क्या है?
हर पांच में से एक इंसान पानी से जुड़ी बीमारी की वजह से मर रहा, जैसे हेपेटाइटिस बी को छोड़कर जितने हेपेटाइटिस होते हैं वो गंदे पानी की वजह से, उन्हें कि हेपेटाइटिस ए पानी की वजह से, हेपेटाइटिस ई पानी की वजह से, हेपेटाइटिस बी ऐसा है जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से होता। तो हेपेटाइटिस एक वायरल डिसीज है जिसमें बी को छोड़ दिया जाए तो सारे हेपेटाइटिस पानी की वजह से हो रहा है। डायरिया पानी की वजह से हो रहा, कोलेरा पानी की वजह से हो रहा, टाइफाइड पानी की वजह से हो रहा, पोलियो पानी की वजह से हो रहा। तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो पानी की वजह से हो रही हैं, और भारत में से हर पांच में से एक इंसान पानी की बीमारी से ही मर रहा। ये डेटा याद रहेंगे, ये दो तीन बार पढ़ोगे तो डेटा, ये मैगजीन रख लो, इसमें डेटा में अंडरलाइन, जैसे मैंने केवल डेटा डेटा में अंडरलाइन कर रखा तो आपको हर लाइन में अंडरलाइन नहीं करना, केवल जैसे 3900 या हर पांच में से एक, बस उसको अंडरलाइन कर लेना, जिससे जब आप रिवीजन करो इस मैगजीन का एग्जाम टाइम पे निबंध के लिए तो आपको केवल डेटा पे नजर जानी चाहिए। ये तो सबको पता है ना कि गंदा पानी नुकसान करता है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है कि प्रदूषित जल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तुम ये देखो कि प्रदूषित जल की वजह से लोग कितने मर रहे, तुम्हें ये डेटा एग्जाम टाइम पर लिखना चाहिए। अगर तुमने ये डेटा ये इनमें से कुछ लिखा तो वो नंबर दे, लगभग लिख दो, लगभग 1400, 1438 जो भी हो लगभग लगा देना। चलो अब देखो, अब इसमें ये बोल रहे हैं कि दुनिया में 70% पानी जो पीने लायक पानी है वो एग्रीकल्चर में खर्च होता है। ध्यान रखना है दुनिया का, भारत में ये आंकड़ा 80-90% होता है। दुनिया में जितना भी साफ पानी उसका 70% कहाँ खर्च हो रहा, खेती में। और अगर कोई सूखा क्षेत्र है तो वहां 90% तक पानी खेती में खर्च होता है। 70% के बाद 8% पानी घरेलू खर्चों में, डोमेस्टिक यूजेस में, घरेलू कार्यों में, नहाने धोने कपड़े, खाना बनाने, इन सब पे यूज होता है। 18% पानी इंडस्ट्रीज में खर्च होता है, और 4% पानी वाष्पीकरण या वेपराइजेशन की वजह से खर्च होता है। तो पूरी दुनिया की अगर बात करें तो पूरी दुनिया में जितना पीने लायक पानी है उसका 70% पानी खेती में खर्च हो रहा है, 8% घर में खर्च हो रहा है, 18% इंडस्ट्रीज में खर्च हो रहा है, और 4% वाष्पीकरण से खर्च हो रहा है। ठीक है, इसके बाद इसमें यह बोला कि जनसंख्या बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ती जा रही है, और हमारी लाइफस्टाइल चेंज होने से डिमांड बढ़ रही है। एक्चुअली हमारी, जैसे अगर आप बाल्टी से नहाओगे तो पानी कम खर्च होगा, और सावर से नहाओगे तो, इंडियन टॉयलेट वगैरह यूज करोगे, फ्रेश होने जाओगे तो कम पानी खर्च होगा, वेस्टर्न में तो पूरा खर्च होगा। पहले वो लोटे वाला सिस्टम था, तो हमारा जो कल्चर था कि भैया उन्हें भी पता था कि संसाधन सीमित है तो ये लोटा लुढ़कना नहीं चाहिए। अब तो प्लस चला देते हैं, कितना लीटर पानी चला जाता होगा, बाथ टब पूल स्विमिंग पूल में नहाया, इसके बाद एक बार लोगों ने नहा लिया, अगली बार पानी फिर चेंज होगा, हर बार चेंज होता है। एक बार सुना था मैंने, शाहरुख खान की कोई मूवी की शूटिंग थी तो उसने पूरा मिनरल वाटर से भरवाया था, बोले तब नहाऊंगा। तो एक इंसान इतने पानी से नहा रहा है, इसका जब वो नहा के निकलेगा तो वो पानी पूरा ड्रेन आउट कर देंगे, तो दूसरा सेलिब्रिटी आ गया तो उसको फिर से भरवाना है। तो ये क्या है, जीवन शैली में बदलाव है। तो ये मत समझना पानी में डिमांड इसलिए बहुत ज्यादा बढ़ रही है, 5-6 गुना इसलिए नहीं बढ़ रही कि जनसंख्या 5-6 गुना बढ़ गई। जनसंख्या तो 50-60% बढ़ पाएगी अगले 50 साल में, पर पानी की डिमांड कितनी हो जाएगी, 5-6 गुना। जितने 4 पहिया वाहन होंगे उतने लोग पाइप लेके उसको धोएंगे भी नहीं धोएंगे। कौन ऐसा करता है कि ये पानी, मतलब ये पानी थोड़ा सा वेस्ट गंदा पानी है, पीने लायक नहीं आ रहा, तो इससे गार धो लेंगे, कोई बाल्टी ऊपर से लेकर लाके साफ नहीं करता। तो हमारी जीवन शैली, तो पानी का जो मांग है वो बढ़ रही जीवन शैली से, लेकिन जो उपलब्धता है अवेलेबिलिटी वो लगातार क्या हो रही है। अभी इन सब के डेटा देंगे कि कितनी मांग बढ़ रही है और कितनी उपलब्धता घट रही है। तो ये डेटा याद हो गया, दुनिया भर में 70% साफ पानी कहाँ खर्च हो जाता है, खेती में, घर में कितना हो जाता है 8, इंडस्ट्रीज में कितना, और पानी कितना भाप बनकर उड़ जाता है 4। ये डेटा तुमको याद होना चाहिए। अब देखो इसमें यह बोल रहा है कि 260 नदियां, दो समस्या क्या है, 260 नदियां ऐसी हैं जो दो या दो से अधिक देशों से होके गुजरती है। जैसे अपने गंगा और ब्रह्मपुत्र को ही देख लो, भारत और बांग्लादेश, ब्रह्मपुत्र तो चीन, और भारत और बांग्लादेश,
तो 260 नदियां दुनिया की ऐसी हैं जो दो या दो से अधिक देशों से गुजर रही है। अब जैसे जैसे इन नदियों का पानी सूखेगा, ये चलो नहीं सूखेगा पर हर देश की डिमांड तो बढ़ेगी लाइफ स्टाइल, तो क्या देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय विवाद शुरू नहीं होंगे? सीमा विवाद तो पहले से ही है। अगर आप न्यूज वगैरह देख रहे हो तो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में कल सीमा विवाद सुलझाने के लिए मीटिंग कराई थी। बार बार कह रहे कि न्यूज़पेपर न्यूज चैनल मिस किया, बहुत कम चांस है इंटरव्यू कॉल आएगा, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूस न्यूज और पेपर पढ़ रहे नहीं तो कुछ ना कुछ जीएस का ऐसा पोर्शन होगा 40-50 नंबर जो खुद लिख ले जाओ। तो 15-20 मिनट न्यूज चैनल को दे दो, 15 से 20 मिनट बस, दिन भर में इतना टाइम है कि नहीं? बहुत ज़्यादा बिजी हो गए मुझे पता है, शेड्यूल बहुत टाइट है, पर 15-20 मिनट निकाल दो डीडी न्यूज। रात को खाना खाते समय बस मोबाइल रख के यूट्यूब पे डीडी न्यूज चला दो, 17-18 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 28 मिनट की न्यूज होती है और विस्तार से सब खबरें बताते, बस डेली 28 मिनट निकाल लो, इतना निकाल लोगे। कल एक बहुत अच्छी बात थी, एलन वाले महेश्वरी सर का एक वीडियो देख रहे थे, उसमें ये बोला कि जब बच्चे से बोलना पड़े कि डीडी न्यूज देखो, जब बच्चे से बोलने पड़े कि फेसबुक इंस्टा बंद कर दो, तो समझ लो वो बच्चा सिलेक्ट होने वाला नहीं है। बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि क्या बच्चे को समझ में नहीं आ रहा कि इंस्टा या अलग जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये हमारी पढ़ाई को नुकसान पहुंचाएंगे? पता है कि नहीं? क्या बच्चों को ये नहीं पता कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे तो नुकसान होगा? क्या बच्चे को ये नहीं पता कि हम न्यूज़ चैनल नहीं देखेंगे तो नुकसान होगा? तो जब बच्चे को सब पता है और फिर भी टीचर उसको बोल रहा है, इसका मतलब वो बच्चा सेलेक्ट नहीं होगा। उन्होंने ये बात बोली लिख के रह लो कि अगर माँ बाप बच्चे को फोर्स कर रहे हैं कि ये मत करो वो मत करो, इसका मतलब आपका बच्चा IIT में नहीं जा रहा, उनकी लाइन थी। तो ऐसे ही मेरा है कि भैया जो बच्चे को बोलना पड़ रहा कि योजना कुरुक्षेत्र खरीद लो, हर 8 तारीख को आ गई, बोलना पड़ रहा न्यूज़पेपर रखो, न्यूज चैनल देखो, डीडी न्यूज देखो, अगर बोलना पड़ रहा तो समझो आप सिलेक्ट होने वाले नहीं हो, क्योंकि आपके अंदर ना जिद है ना जुनून है। तो अगर टीचर आपको इंसिस्ट कर रहा है, ये तो बच्चा इंसिस्ट करे सर हमारी न्यूज़पेपर की क्लास, हमारी योजना कुरुक्षेत्र की क्लास, ये तो बच्चा जिद करे ना सर, बच्चे सर ये करवाओ वो करवाओ। तो अगर आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। तो दुनिया में ऐसी कितनी नदियां हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करती हैं? तो 260 नदियां ऐसी हैं जो दो या दो से अधिक है ना। इनमें विवाद है, जैसे अरल सागर का सबसे बड़ा मुद्दा UPSC ने 2019 में पूछा था कि अरल सागर का एक तिहाई हिस्सा गायब हो चुका है और लगभग 36,000 वर्ग किलोमीटर इलाका का पानी खत्म है। अरल सागर की अगर बात करें तो अरल सागर का 36,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया का पानी खत्म, और इतने में अब जमीन आ चुकी है। तो अरल सागर एक ऐसा उदाहरण है, जब अरल सागर की मैपिंग देखना तो उनके किन देशों की बाउंड्रीज देखना, कि उन्होंने यही पूछा था। अरल सागर इसलिए पूछा था कि वो सूख रहा है, तो उन्होंने पूछा किन किन देशों की बाउंड्रीज शेयर करता है, क्योंकि जैसे जैसे इसका पानी सूखता जाएगा उन देशों के बीच में विवाद बढ़ते जाएंगे। अभी तक कोई हिंसक विवाद नहीं हुए, अभी तक सब अहिंसक, मतलब एक होता ना कोल्ड वॉर, सामने सामने ना लड़ना, एक दूसरे का वैसे नुकसान करना, तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो ये लोग इसे कहते हैं वाटर डिप्लोमेसी, इस अरल सागर का पानी लेने के लिए जो अलग अलग तरह की रणनीतिक कूटनीतिक चालें चल रहे हैं उसे कहते हैं वाटर डिप्लोमेसी। तो जैसे जैसे अरल सागर सूखता जाएगा सारे देश क्या खेलना शुरू कर देंगे, वाटर डिप्लोमेसी। और वैसे भी संजीव सर अभी चाणक्य पढ़ा ही रहे हैं तो कूटनीति तो समझा रहे होंगे, है ना। तो पहले पानी की कमी नहीं थी, नहीं तो चाणक्य साहब पहले भी वाटर डिप्लोमेसी दे जाते, उनके समय इतनी कमी नहीं थी, पर आज कमी है। तो आज हर देश क्या खेल रहा है, वाटर डिप्लोमेसी। जैसे जैसे भारत बांग्लादेश में कभी भी होगा तो भारत अगर बांग्लादेश को कुछ देगा, जैसे बांग्लादेश में कभी दवाइयों की कमी होगी, कोविड के समय हमें टीका देना पड़ा वैक्सीन, तो हम बांग्लादेश से क्या बोलेंगे, वैक्सीन तभी देंगे जब एक डैम बना लेने दो। ये वाटर डिप्लोमेसी है, समझ रहे, क्योंकि हमें लगता है यहाँ हमें पानी की जरूरत है बंगाल में, तो क्या वैक्सीन तो देंगे, बस परमिशन चाहिए डैम की। एक्चुअली तुम खेल क्या रहे हो, तुम खेल रहे हो वाटर डिप्लोमेसी, भलाई तो कर रहे हैं पर बदले में पानी चाहिए। पाकिस्तान में कभी कुछ हो गया तो ले जाओ, बस सिंधु में एक डैम और बना लेना, तो ये क्या है, वाटर डिप्लोमेसी। तो जैसे जैसे पानी सूखता जाएगा हर देश क्या खेलना शुरू कर देगा, वो कुछ भी करेगा उसके पीछे पानी लिंक्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अरल सागर का ये डेटा कम से कम याद रखना है कि अरल सागर की कितनी जमीन का पानी खत्म हो चुका है, तो 36,000 स्क्वायर। इसमें ऐसे बहुत सारी नदियों के नाम हैं, जॉर्डन, डेन्यूब,
क्या होते हैं, जिस देश के पास ट्रीटी होती है, मतलब एक्चुअली क्या होता है कि ट्रीटी होती है समुद्र के लिए, तो बना यूएन क्लॉज बना है, यूएन कन्वेंशन लॉज ऑफ ओशियन या सीज ऑफ सीज, लेकिन देशों के बीच में वो आपस में शेयर करते हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड बैंक ने बनवाया था कि भैया 80% पाकिस्तान यूज करेगा, 20% पानी यूज करेगा, ऊपर की 3 पाकिस्तान यूज करेगा, नीचे की 3 सिंधु झेलम चिनाब भारत पाकिस्तान यूज करेगा और रावी ब्यास सतलुज इंडिया। ये वर्ल्ड बैंक ने करवाया। अब भारत कह रहा हम समझौता तो करेंगे पर अब खुद करेंगे, क्योंकि जब वर्ल्ड बैंक ने करवाया था 1950-1960 में तब भारत उतना स्ट्रांग नहीं था, पर भारत अब स्ट्रांग है। तो भारत बोला अब हम समझौता खुद करेंगे, तो भारत फिर से पाकिस्तान से समझौता करना चाहता खुद, और पाकिस्तान की हालत इतनी अच्छी है नहीं कि वो खुद कर पाए, अगर नहीं नहीं वर्ल्ड बैंक को फिर बुलाओ। तभी ये डिबेट चल रही, ये याद रखना। ऐसे इसमें बहुत सारे दिए। अब देखो इसमें अरल सागर के साथ हालत क्यों होगी, क्योंकि ये आमू दरिया एक रिवर है, आमू दरिया एक है सिर दरिया, तो यहाँ पर दो नदियाँ आती हैं सागर में, आमू दरिया और सिर दरिया। मैपिंग में सर ने पढ़ाया होगा, तो यहाँ पर जो नदियाँ आती है वो जिन जिन देशों से गुजरती है उन्होंने इस रिवर का मार्ग या कोर्स ही चेंज कर दिया, इन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए इस तरह से रिवर्स का रास्ता कर दिया कि नदियों का पानी अरल सी में ना जाए, इन देशों को मिल जाए। तो जब रिवर्स समुद्र का पानी कहाँ से आ रहा, नदियों से, और आप रिवर के पानी को ही मोड़ दोगे तो धीरे धीरे सी सूखने लगेंगे। तो अरल सी के साथ इसलिए हो रहा कि आमू दरिया और सिर दरिया का मार्ग बदल दिया गया। अब आपको घर पे बस इतना करना है वर्ल्ड मैप में उठा के आमू दरिया सिर दरिया का देखना कि लोकेशन किन किन कंट्रीज से, जिन जिन देशों से जा रही होगी उन्होंने बदल लिया होगा। तो अरल सागर का एरिया याद करना है और क्यों हुआ ये याद रखना है, दो नदियों की वजह से। चलो यहां तक याद हो गया। तो दुनिया की कितनी नदियां हैं जो एक से ज्यादा देशों में बाउंड्री शेयर करें, 260। तो जब भी जल संकट आएगा तो अंतर्राष्ट्रीय संकट भी आएगा, तो समझना जल संकट अंतर्राष्ट्रीय शांति खत्म करेगा। क्या पूरे संविधान में अंतर्राष्ट्रीय संबंध शांति को कहीं मेंशन किया है? आर्टिकल 51 डीपीएसवी में लिखा है आर्टिकल 51 में कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो अगर पानी का संकट खत्म होगा तो आर्टिकल 51 पे भी प्रभाव पड़ेगा, पानी गंदा होगा तो आर्टिकल 47 पे भी प्रभाव पड़ेगा, और पानी गंदा होगा तो आर्टिकल 21 पर भी प्रभाव पड़ेगा। राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार, जब आपको साफ पानी नहीं मिलेगा तो ऐसा कैसा जीवन, क्या स्वच्छ पानी आपके जीवन के अधिकार में नहीं आता? आता, लेकिन आपको गंदा पानी मिलेगा तो किसका वायलेशन हो रहा, आपको गंदा पानी मिल रहा किसका वायलेशन हो रहा, 47। ये तो फंडामेंटल राइट है, ये तो मिलना ही चाहिए। ये तो चलो डीपीएसपी है, चलिए ये भी डीपीएसपी है, ये तो तब दे देंगे जब गवर्नमेंट के पास रिसोर्स होगा, पर ये तो मिलना ही चाहिए ना। तो साफ पानी जब आपका फंडामेंटल राइट है वो तो आपको मिलना ही चाहिए। तो अगर गवर्नमेंट जल जीवन मिशन ला रही है तो कोई एहसान नहीं ला रही, अगर नहीं लाएगी तो रेट और लगा देना, तो आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट के लिए रेट लगा सकते हैं कि नहीं, रेट लगा दो, पानी लिया जल्दी, है ना, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है। चलो अब देखो, अब इसमें ये लिखा है कि दुनिया के 30 देश ऐसे हैं जहां जल संकट बहुत ज्यादा है। 260 नदियां बता चुके हैं जो एक से ज्यादा, 30 देश दुनिया में आज ऐसे जहां पीने के पानी की बहुत ज्यादा कमी है, और अगले 10 साल में दुनिया की 2/3 आबादी को पीने के पानी की दिक्कत होगी अगले 10 साल में। इसमें से आप भारत की बात करें, अगर हम भारत की बात करें तो देखो भारत में 1947 में जितना भी पानी था उस पानी का 35% पानी अब खत्म हो चुका है। जब देश आजाद हुआ था जितना भी पानी हो, पानी दो तरह का होता है, एक होता है सरफेस वाटर जो नदी तालाब झील में भरा पड़ा है वो कौन सा है, और एक होता है भूमिगत जल ग्राउंड वाटर। तो भारत में 1947 में जितना भी सरफेस और ग्राउंड वाटर मिलाकर था 2011 तक इतना पानी खत्म हो चुका है, तो 1/3 पानी खत्म हो चुका है और आबादी कितने गुना, तो पानी खत्म हो जाता जा रहा आबादी बढ़ती जा रही। तो ये डेटा तुम्हें बताना है कि आजादी से लेकर जितना पानी उपलब्ध था उसका 35% पानी समाप्त हो चुका है, ये भारत का डेटा है, भारत में 35%। अब देखो आप 1947 की बात करें तो हर इंसान के लिए भारत में इतने क्यूबिक मीटर पानी था, हर इंसान के लिए पर पर्सन प्रति व्यक्ति 5150 घन मीटर पानी था, और 2011 तक आते आते ये पानी 1545 क्यूबिक मीटर हो चुका है। समझ में आ रहा है कितना अंतर है? 1947 में एक इंसान के लिए देश में इतना पानी था औसतन,
तो 1947 में एक व्यक्ति को औसतन इतना पानी था और आज इतना पानी। ये डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पानी की उपलब्धता प्रति व्यक्ति घटती जा रही है कि नहीं, वो कितनी घट गई ये देखो। कहाँ 5000 था एक आदमी के लिए पानी, और आज एक आदमी के लिए कितना पानी बचा है। और यही नहीं, आगे देखो 2025 तक, आगे तक ये पानी हो जाएगा 1401 क्यूबिक मीटर, और 2050 तक ये होगा 1100। कमाल की बात है कि इतना है, जबकि एक इंसान को पानी चाहिए होता है 1700 घन मीटर। तो एक इंसान को अपना जीवन ठीक ठाक जीने के लिए कितना पानी चाहिए, लेकिन 2011 में ही कितना हो चुका, मतलब जितना पानी देश में चाहिए उससे भी कम बचा है, कि 1545 के हिसाब से बचा है। चाहिए कितना, 1545 बचा, आगे 1400 होगा, और 2050 तक आते आते, समझ रहे, मतलब हम किसकी ओर बढ़ रहे हैं, जल संकट की ओर। तो आज है जल संकट में, बढ़ क्या रहे हम जल संकट में है। आज पानी कितना है एक इंसान के लिए, ये एग्जाम में तुम्हें रट के ही जाना है कि प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता भारत में 1545 घन मीटर है, जबकि स्वस्थ जीवन जीने के लिए 1700 घन मीटर होना चाहिए। मतलब संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन तो आज भी है, कि जितना चाहिए उतना ही नहीं मिल रहा। तो ये दो डेटा याद रखना, और इतना भी याद रखना है कि जब देश आजाद हुआ था तब कितना, तो देश की आजादी के बाद से लेकर कितना पानी खत्म हो चुका है, 35%। देश की आजादी के समय एक इंसान के लिए औसतन कितना पानी था, 5150 घन मीटर 2011 तक, और 2050 तक क्या बचेगा, जबकि एक व्यक्ति को स्वस्थ जीवन जीने के लिए कितना पड़ जाए, ये सब उसमें लिखा है। पर ये डेटा तुम्हें याद होना है, एक 1947, एक 2011, एक 2050, तीन डेटा याद रखना, कि 47 में कितना था, आज कितना है, और आगे कितना होगा, और एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए कितना पानी चाहिए। इससे वो खुद कंपैरिजन कर लेगा, या एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा कि जल संकट इस बच्चे को पता है कि कितना है और आगे कितना होगा, क्योंकि आंकड़े इसके बिना आप नहीं दे पाओगे। देखो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन आया था 2-3 साल पहले कि अकबर को राष्ट्रीय निर्माता क्यों कहा जाता, तो अगर आप ऐसा उत्तर लिखोगे कि अकबर एक महान राजा था, अकबर ने शांति की नीति अपनाई, अकबर ने धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाई, अकबर ने दान दी, अकबर ने किया, तो इसमें डेटा कहाँ है। जब तक आप सुलह कुल की नीति, दीन ए इलाही, जजिया कर समाप्त करना, ये सब नहीं लिखोगे, नंबर काय पे देगा। जल संकट पे अगर आ गया निबंध, बोले भारत में जल संकट, भारत जल संकट से अत्यधिक जूझ रहा है, इतना जूझ रहा कि क्या बताएं, मतलब आंकड़ा एक नहीं है और भावना डाल रहे हो, नंबर किस बात पे देगा। ये इतना तो हर कोई लिख देगा, भारत में जल का अत्यधिक अभाव है, भारत जल संकट से, कि तुम वही चीज़ बार बार बोलोगे, तुम्हारे पास डेटा ही नहीं। तो भारत में जल संकट है, भारत में जल का अभाव है, भारत में प्रति व्यक्ति जल की कमी है, अर्थात जल की उपलब्धता नहीं है। अब तुम्हें भरना तो 5 पेज है ना जल संकट पे। अब तुम्हारे पास ये डेटा है नहीं कि 35% का पानी खत्म है, तुम्हारे पास डेटा है नहीं कि 260 नदियां देशों की सीमा शेयर करती है, तुम्हारे पास पता ही नहीं कि देश में पानी 47 में कितना था। जब डेटा नहीं होगा तो निबंध में आता है रिपीटेशन, कि तुम्हें 5 पेज भरना है, कि खाली जगह तुम छोड़ सकते नहीं। BA BSc की प्रैक्टिस है, भरने की कोई दिक्कत नहीं, पता तुम भर लो। तुम्हें कोई टॉपिक नहीं भी आता हो तो भी 5 पेज भर लोगे, ये टैलेंट तुम्हारे अंदर है, पर नंबर काय में मिलेगा। कॉपी भरने के नंबर PSC में नहीं मिलते, जिन्हें लगता है कि हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया नंबर मिलेगा, नहीं मिलता। 5 नंबर में आधा नंबर भी ले लो बहुत बड़ी बात है, अगर ढंग का नहीं लिखोगे। ये डेटा याद हो गया सबको पूरा, तो बताओ कितना पानी खत्म हो चुका आज़ादी से लेकर आज तक। 1947 में कितना था, 2011 में 1545, 2011 में कितना बचेगा, 1100, 2050 बोला मैंने, कितना बोला, 50 बोला ना, 25 बोला, अच्छा 11 बोला, 2050 में 1100, और चाहिए कितना पानी, बहुत बढ़िया। अब सुनो, अब ये बोल रहे हैं कि अगर 1000 से कम हो गया पानी प्रति व्यक्ति तो मीडियम लेवल का जल संकट आ जाता है, और अगर 500 से भी ज़्यादा पानी कम बचा तो गंभीर लेवल का। अभी भारत में एक इंसान को 1545 है, मतलब जल संकट तो है ठीक है, लेकिन अगर ये उपलब्धता 1000 से नीचे हो गई,
क्योंकि हम ऐसा आंकड़ा लगा रहे कि 2050 तक भारत में कितना पानी बचेगा। जैसे ये 1000 आ गया तो जल संकट मध्यम लेवल का आएगा। 2050 बहुत बड़ी बात नहीं है, तुम अपने जीवन में देख के जाओगे, तुम्हें लग रहा क्या करना 2050, तुम्हारा बुढ़ापा जल संकट से गुजरेगा और बच्चे पानी देंगे नहीं। तो 2050 ऐसा नहीं बोले, ऐसे 5000-10000 साल बाद तुम अपने इसी जिंदगी में ये देख के जाओगे 1100, और तुमने पढ़ा होगा 1100 बचेगा 700-800, बोले ये तो चीटेंगे, सर ने पढ़ाया था 1100 बचेगा, क्योंकि तुम जितना ज्यादा दोहन करोगे 1100 भी नहीं बचेगा। तो आज आ रहा कि 1100 बचेगा, और तुम देखना 2050 तक ये 700-800 पे आ जाएगा, और जैसे ही तुम 1000 से नीचे आओगे किस स्तर का कहलाता है, मध्यम स्तर का, और जैसे ही 500 क्यूबिक मीटर प्रति व्यक्ति पानी बचा तो वो कितना ज्यादा गंभीर स्तर का, मतलब ऐसा व्यक्ति अपना जीवन काट ही नहीं सकता। फिर वो नहा रहा है किसी तस्सल में और उस पानी को इकट्ठा कर रहा है, उसी में कपड़े धो रहा है, और कपड़े धोने का दूसरी से फर्श धो रहा है, नहाते हैं खटिया में बैठ के, ऐसे कई गांव हैं राजस्थान में जहाँ खटिया में बैठ के नहाते हैं और नीचे तस्सल रखते हैं, और फिर जो पानी नीचे इकट्ठा होता है उसमें कपड़े धोते हैं, जब कपड़ा धुब जाता है तो उससे घर या बागीचे को डाल देते हैं, ये गांव में है। चलो अब सुनो, अब सुन लो अब अगली चीज, दुनिया के 18% आबादी हमारे पास, दुनिया के 15% जानवर हमारे पास, लेकिन हम उन्हें पशुधन बोलते हैं, है ना, क्योंकि मतलब दूध गोबर गौमूत्र वगैरह मिलता है, हम क्या बोलते हैं, पशुधन, ठीक है। तो तुम लोग पशु मत लिखना, साथ में क्या लिखना, तो दुनिया की 18% आबादी हमारे पास, दुनिया की 15% पशुधन हमारे पास, पर दुनिया का केवल 4% पानी हमारे पास, बहुत नाइंसाफी है। 18% आबादी, पानी कितना, जब दुनिया की आबादी 18% है तो पानी भी कम से कम 18% होना चाहिए। तो ये याद रखना है कि दुनिया की 18% आबादी हमारे यहाँ रहती है, लेकिन दुनिया का 4% पानी ही हमारे देश में, तो आबादी के रेशियो में पानी हमारे यहाँ क्या है, कम है। अब देखो हमारे देश में टोटल पानी कितना है, 1869 इतने घन किलोमीटर, प्रति व्यक्ति पानी था 1545 क्यूबिक मीटर, पर देश में टोटल पानी कितना, 1869, इसमें से हम केवल 1122 घन किलोमीटर यूज कर सकते हैं, पानी इतना उपलब्ध है जिसमें से यूज कितना कर सकते हैं इतना, तो हमारे भारत में सतही जल और अंडरग्राउंड पानी मिलाकर इतना है। अभी जो पढ़ रहे थे वो प्रति व्यक्ति कितना पानी, अगर इसी को हम आबादी में बांट दो तो वो प्रति व्यक्ति निकल के आ जाएगा, प्रति व्यक्ति 1545 निकल के आएगा, तो देश में टोटल पानी 1869 घन किलोमीटर है, और जिसमें से यूज कितना कर सकते हैं, 1122। अब देखो सुनो, अब 1990 में इसमें एक आंकड़ा दिया है कि 1990 में इसमें से हम हर साल 552 घन किलोमीटर यूज करते थे, हम 1990 में 552 यूज करते थे, और आज हम कितना यूज करते हैं, 1050 घन किलोमीटर। हमारे पास है कितना, 1969 नहीं 1800, जबकि यूज कितना कर सकते हैं, तो डेटा याद रखना, देखो डेटा, देखो डेटा क्या है, हमारे पास पानी है 1869 घन किलोमीटर, यूज कितना कर सकते हैं, हम 1990 में पूरा देश मिलके 552 घन किलोमीटर यूज कर लेते थे, आज हम करते हैं 1050 किलोमीटर पूरा देश में, पानी है इतना, यूज कर सकते हो इतना, 1990 में पूरा देश इतना पानी यूज करता था, आज इतना, मतलब आज तुम ना जितना यूज कर सकते हो करते हो, और जितना यूज कर सकते हो बहुत पास नहीं आ गए, पहले 552 घन किलोमीटर यूज करते थे, अब 1050 करने लगे, कर कितना सकते हो, 1122 से ज़्यादा यूज कर ही नहीं सकते। और इसमें लिखा है कि 2025 तक तुम्हें पानी चाहिए पड़ेगा पूरे देश के लिए कितना, पानी चाहिए पड़ेगा इतना, और तुम्हारे पास पानी है, डेटा समझ में आ रहा, देश में कुल पानी इतना घन किलोमीटर है, उस पानी में इतना यूज, 1990 में पानी की खपत बहुत कम थी, केवल 552 घन किलोमीटर यूज कर सकते थे, आधा भी पानी खर्च नहीं करते थे, पर आज हम 1050 घन किलोमीटर यूज करने लगे हैं,
और 2025 तक आते आते 1164 घन किलोमीटर। तो ये डेटा और प्रति व्यक्ति का डेटा अलग है, ये घन मीटर में चल रहा था, ये प्रति व्यक्ति कितना पानी यूज करे उसका डेटा अलग है, और हर व्यक्ति को कितना घन मीटर चाहिए वो अलग है। तो ये जो डेटा भी पढ़ा था ये प्रति व्यक्ति था कि आज 1545 मिल रहा है, आगे चल के 1100 मिलेगा, जबकि चाहिए 1700 प्रति व्यक्ति। तो ये घन मीटर में था, लेकिन देश में पानी है इतना, यूज कर सकते हो इतना, यूज करने लगे हो इतना, हर साल इतना पानी यूज करने लगे हो, और 2025 तक कितना यूज करने लगोगे क्या है? इसका क्लिपिंग ऑन नहीं आता क्या? बार बार निकल रहा है। चलो कुछ नहीं, बाद में हो जाएगा। ये डेटा दोनों याद हुए कि नहीं? प्रति व्यक्ति उपलब्धता और देश में कुल जल की उपलब्धता, दोनों में अंतर समझ पा रहे हो कि नहीं? आज देश में प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी है? 1545 घन मीटर, क्यूबिक मीटर। 2050 तक कितनी उपलब्धता हो जाएगी? 1100 घन मीटर प्रति व्यक्ति, और चाहिए कितना? 1700 घन मीटर प्रति व्यक्ति। ये तो प्रति व्यक्ति का आंकड़ा है। आज देश में टोटल पानी कितना है? 1869 क्यूबिक किलोमीटर, घन किलोमीटर। उसमें से यूज कितना कर सकते हो? 1122 घन किलोमीटर। जबकि आज खपत कितनी होने लगी है? 1050 घन किलोमीटर। और दो तीन साल बाद ही, 2025 मतलब 22 चल रही ना, तीन साल बाद ही कितनी देश में खपत होने लगी? खपत क्यों? क्योंकि हमारा जीवन शैली बदल रही। खपत क्योंकि उद्योग बढ़ रहे। खपत इसलिए कि शहर बढ़ रहे। शहर में पानी ज्यादा खर्च होता, गांव में पानी कम खर्च होता। कभी एक दिन शहर में और एक दिन गांव में बिता के देखना और देखना, क्योंकि गांव में पानी से तुम कच्चा फर्श नहीं धोते हो, गोबर से ही तो करते हो, झाड़ू लगाते हो। वो सीको वाली झाड़ू चलती है गांव में कि नहीं? गांव में झाड़ू पोछा कैसा होता? पहली बात सर्फ वगैरह वाइपर और पानी नहीं होता। यहां तुम बाल्टी के बाल्टी सर्फ उसमें फर्श में डाल के धोते हो, वहां क्या होता? झाड़ू साफ होते हो, गोबर लगा देते, क्योंकि अगर तुम पानी डालोगे तो पूरा कीचड़ हो जाएगा। तो गांव में घरों की सफाई अलग ढंग से होती है, वो लाइफ स्टाइल ऐसी है कि उसमें पानी खर्च हो ही नहीं रहा। और शहरों में तुम अगर घर धोना है तो पानी ही चाहिए। तो अगर शहरीकरण होगा तो धीरे धीरे रहने का स्टाइल सब बदलता जाएगा। पहले कपड़े धोते थे बाल्टी में, अब धोते वॉशिंग मशीन में, और वॉशिंग मशीन में पानी अनलिमिटेड खर्च होता नहीं होता, कितने तरह का तो पानी चाहिए उसमें। चलो ये डेटा सबको याद हो गया, क्योंकि इस क्लास में अगर डेटा याद हो गया तो बहुत बड़ी चीज है। अब देखो, अब भारत में और चीज देखो, भारत में 80% पानी खेती में खर्च हो रहा, 9% पानी इंडस्ट्री में खर्च हो रहा। 80% पानी कहाँ खर्च हो रहा? 9% उद्योगों में, 6% बिजली बनाने में, और 5% पानी घरों में। ये देश का डेटा है कि इतना देश में टोटल जितना साफ पानी है, 80% खेतों में, 9% इंडस्ट्री में, 6% बिजली बनाने में, और 5% घरेलू कार्यों में खर्च हो रहा है। और इसके बाद इसमें यह लिखा है कि देश में 3.8 करोड़ महिलाएं पानी लेने के लिए आधा घंटे से ज्यादा खर्च करती है। देश में 3.8 करोड़ महिलाएं जब भी पानी वानी लेने जाती है तो उन्हें आधा घंटे से ज्यादा लगता है। और WHO ने ये डिफाइन किया है, अगर किसी को पानी लाने ले जाने में आधा घंटे से ज्यादा लगता है तो ये माना जाएगा कि उसको पानी उपलब्ध नहीं है। तो अगर किसी को एक घंटा लग गया मतलब उसको पानी उपलब्ध, अब भले ही उसको 2 घंटा लगे पानी तो वो लाएगा, पर परिभाषा के अनुसार उसको पानी उपलब्ध। अब इसमें क्या हो गया, महाराष्ट्र में एक गाँव है डोंगनमल, उसमें नहीं लिखा, उसमें केवल महाराष्ट्र का गांव लिखा, पर महाराष्ट्र के एक गांव है डोंगनमल, वहां के लोग 2 शादियां करते हैं, एक बीबी पानी के लिए ही है केवल, और इसको कहते हैं वाटर वाइफ। तो महाराष्ट्र में पॉलीगैमी या बहुविवाह शुरू हो चुका है या होता है। डोंगनमल गांव है, महाराष्ट्र का एक डोंगनमल गांव है जहां एक से ज्यादा बीवियां रखते हैं, और जो बीबी पानी रखने के लिए, पानी लाने के लिए रखते हैं उसका नाम क्या है? तो क्या ये महिला अधिकारों का उल्लंघन नहीं है? तुमने उसको क्या बना लिया है? एक को बच्चा पैदा करने की मशीन
और एक को पानी लाने की मशीन, मशीनरी तो बना दिया। तो महाराष्ट्र का डोंगलमल गांव ऐसा है कि वहां पानी का संकट इतना है कि अगर एक शादी की और उसको पानी पता चला 3 से 4 घंटे लग रहे, घर में बच्चे छोड़ के कौन जाए, और बच्चा अगर लेके जाएंगे तो बर्तन कैसे पकड़ो, क्योंकि ऐसे एक ऐसे जैसे भी मैंने पकड़ दिया ना। और ऊपर से अगर बच्चे, कई लोग देखा होगा ना फिल्मों में, KGF में ही देखा होगा उसकी माँ एक में यश को पकड़े हो, एक में पानी है ना, ये दिक्कत है। तो इसीलिए यहाँ एक प्रथा चलती है और इसे वाटर वाइफ बोलते हैं, समझ रहे है? तो पानी तुम्हें मजाक लग रहा होगा, पानी मजाक नहीं है, बीवियां दो दो आ गई हैं। कई लोग जी तो बढ़िया है चलो। तो महाराष्ट्र का इस गांव का नाम लिख लेना, जिन योजना कुरुक्षेत्र में लिखा नहीं, गांव का नाम नहीं लिखा, लिख लेना। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, अरे कछु तो ज्यादा देंगे ना मैगजीन में, तभी तो आओगे पढ़ने। तो कुरुक्षेत्र में लिख लेना कि महाराष्ट्र के उस गांव का नाम क्या है, डोंगनमल। उसमें बहु विवाह की प्रथा है, जो दूसरी बीबी पानी के लिए लाते हैं उसका नाम क्या है, मतलब उनने नहीं रखा, गांव वाले उन्हें नहीं पता ये वाटर वाइफ है, पर जो एनजीओ वगैरह काम करते हैं उसे वाटर वाइफ सिस्टम बोलते हैं। तो ये वाटर वाइफ का सिस्टम, ठीक है? तो वाटर वाइफ बता देना है ना कि वाटर वाइफ की भी समस्या आ चुकी है, ठीक है? हमारे यहाँ महिलाएं ही पानी लाने का काम करती हैं, तो वाटर हस्बैंड होते, ये जिम्मेदारी महिलाओं की है, कुएं से भर भर के ला रही ना, इसलिए। नहीं तो अब देखो, तो समस्या समझ में आ रही है क्या? हाँ, नया ऐसे ही मिलेगा। अब देखो, हमारे देश में 1109 ब्लॉक ऐसे हैं जहाँ पानी बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है और इनको रखा गया डार्क जोन में। तो ग्राउंड वाटर को इतना ज़्यादा ड्रेन कर लिया है कि 1109 ब्लॉक डार्क जोन में चले गए हैं। इसके बाद 2.17 लाख गांव ऐसे हैं जहाँ साफ पानी नहीं है। तो 1109 ब्लॉक में ग्राउंड वाटर इतना नीचे चला गया है कि वो डार्क जोन में चले गए। 2.17 लाख गांव ऐसे हैं जहां साफ पानी नहीं, मतलब लाखों गांव ऐसे हैं जहां साफ पानी नहीं है। इसके बाद नदियां अब या तो बारिश के कुछ महीने में ही सूख जाती हैं या नदियां ऑलरेडी सूख चुकी हैं। नदियों के साथ दो ही कंडीशन है, नदियां अभी मानसून चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक बारिश होगी और दिसंबर जनवरी तक आने आने पानी खत्म हो जाता। कावेरी नदी जो इतनी बड़ी नदी है, वो भी बीच बीच में सूखी हुई है। कावेरी नदी का पिक्चर देखना, रेत आ गई है बड़ी। जब बड़ी बड़ी नदियां नहीं बच रही हैं, तो भारत की ज्यादातर नदियां या तो मानसून के कुछ महीनों में ही सूख जाती है या नदियां ऑलरेडी सूख चुकी हैं। ग्वालियर में, मुरैना में या आसपास कई सारी नदियां तो मैं देख रही होंगी, जैसे मुरार में एक नदी है, मुरार नदी। एक कारगिल शहीद स्मारक गेट बना है, उस गेट के बगल में जो पुल है उस पुल से जाते हो, वो पुल मुरार नदी पर बना है। हाँ, तो मेरे स्टाफ में काम करता है, उसकी एज होगी 48-50 के आसपास। तो उन्होंने बोला बचपन में ये बहुत बड़ी नदी होती थी, मतलब आज से ये 30-40 साल पहले नदी होती थी, अब वो नाला भी नहीं है, क्योंकि मैं उस पुल से निकलता हूँ तो वो सूखा है, नाला भी नहीं, उसमें पानी भी नहीं। तो ऐसी कितनी हजारों नदियों होंगी जो सूख चुकी होंगी। तो भारत में नदियों की हालत देखो, 1109 ब्लॉक में पानी बचा नहीं है, 2 लाख गांव में पानी है नहीं, और नदियों की हालत ऐसी है मानसून की, या तो कुछ महीने में या उसमें। डेटा किस में है, क्यूबिक घन मीटर में है क्या? अच्छा, लोग डाउट कर रहे हैं, अगर पूरे देश के पानी की बात करो तो डेटा किस में लिखोगे, क्यूबिक किलोमीटर में, और एक व्यक्ति की बात करोगे मीटर में। इसके बाद देश में निर्भरता देखो, गंगा की लंबाई है 25-25 किलोमीटर और अकेले एक नदी पर पता कितने लोग डिपेंड हैं, बिलीव नहीं होता होगा, एक नदी पर 40 करोड़ लोगों का जीवन निर्भर है। समझ में आ रहा है, एक नदी पर कितनी डिपेंडेंसी है। तो गंगा नदी जिसकी लंबाई कितनी है, 25-25 मील, मत याद करो, उसमें मील में लिखा है 1500 पैसे, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मुझे थोड़ा डेटा ईजी हो जाता है, 25-25। तो गंगा की लंबाई 25-25 किलोमीटर, अकेले एक नदी पर भारत की 40 करोड़ आबादी निर्भर है, लेकिन पानी नदी तो सूखती जा रही। चेन्नई में सबसे बुरी हालत तो साउथ में, चेन्नई में हर दिन इतने करोड़ लीटर पानी चाहिए, इतना चाहिए है, कितना, इतना ही मिल पाता। चेन्नई शहर को हर दिन 130 करोड़ लीटर पानी चाहिए, जबकि मिल कितना पा रहा है,
तो जितना लोगों को चाहिए उतना पानी में काम चला रहे। तो साउथ की हालत बहुत बुरी है, अगर साउथ की मूवी देखी होगी तो टैंकर के सीन, पानी भरने के सीन दिखते होंगे, और अगर नहीं देखी होगी तो मूवी है कत्थी, जरूर देखना। अगर किसी को जल की समस्या देखनी है, या जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो कैसे पानी को, जैसे पेप्सी कोक वगैरह बनाती है, इसमें पानी बहुत ज़्यादा जाता है, तो ये मूवी कत्थी जरूर देखना। ये विजय की है। एक तो दिक्कत क्या है कि यूट्यूब में नाम किसी और मूवी के रहता है, अंदर मूवी कोई और चल रही होती है। समस्या तो बता दे रहे, इसमें हीरो विजय है और विलन है नील नितिन मुकेश, जानते हो गे? हाँ, बॉलीवुड वाला, न्यूयॉर्क वाला। ये मूवी जब भी टाइम मिले इसको जरूर देखना, बहुत अच्छी मूवी है। इसमें सही डेटा दिए गए हैं और गांव वालों की पानी की समस्या को दिखाया गया, और ये दिखाया गया जो मल्टीनेशनल कंपनी है कोका कोला पेप्सी, ये गांव के लोगों का शोषण, यहाँ तक कि हत्या, उसमें जिस गांव वाले के पानी निकलता था अगर वो नहीं बेचते थे तो उसको मरवा देते थे, जितने लोग थे उनको मरवा, पूरा गाँव मरवा दिया, पूरा गाँव, और पूरी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया। तो ये मूवी जरूर देखना, कत्थी अल्टीमेट मूवी है। तो चेन्नई शहर को कितना पानी चाहिए, मिलता कितना, एक शहर का उदाहरण कर लो। अब देखो, भारत में 33% कुएं के पानी में 2 मीटर की गिरावट आ चुकी है। भारत के एक तिहाई कुएं के पानी में 2 मीटर पानी जा चुका है, और जितने मेट्रो शहर है उनके आसपास 4 मीटर पानी जा चुका है। तो अगर हम देश के कुओं की बात करें तो एक तिहाई कुएं में 2 मीटर पानी की गिरावट है, और जितने मेट्रो सिटीज उसमें 4 या 4 मीटर से ज्यादा की गिरावट है, और माइक में भी गिरावट है। आवाज आएगी, आवाज आ रही है? अब देखो इसमें अब क्या क्या दिक्कत है। सबसे ज्यादा दिक्कत है कि भारत में जितना पानी यूज करते हो ना, उसका 45% पानी कहां से आता है, भूजल से। यूनेस्को ये कह रहा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर कौन यूज करता है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर भारत यूज करता है, यूनेस्को ने अपनी रिपोर्ट में बोला है। और भारत जितना पानी यूज करता है उसका 45% कहां से यूज करता है, ग्राउंड वाटर से। इसके बाद अब सोचो, अब ग्राउंड वाटर यूज तो कर रहे, पर हमारा 70% पानी प्रदूषित है। हम पानी यूज तो कर रहे पर 70% पानी प्रदूषित है। 755 जिले देश में टोटल हैं, इसमें से एक तिहाई जिले में या तो आर्सेनिक ज्यादा है या फ्लोरीन ज्यादा है, समझ में आ गया? तो हम क्या कह रहे, दुनिया में सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर कौन यूज कर रहे हैं, हम दुनिया में, हम साल भर में जितना पानी यूज करते हैं उसका 45% पानी ग्राउंड वाटर से ला रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या, जितना तुम ग्राउंड वाटर लाते जाओगे उतना वो पानी प्रदूषित होगा। देश में ऑलरेडी आज जितनी नदी तालाब कुएं हैं उसमें से 70% पानी प्रदूषित है। मतलब आपके जो कुएं हैं, हैंडपंप है जिसका आप पानी पी रहे हो, अगर उसको चेक करा लो तो वो पानी प्रदूषित निकलेगा, पी रहे हो बात अलग है। इसलिए गांव में, मेरे कस्बे में जो ब्लॉक है मेरा, वहां तो वो 20 रुपए वाला कैन बिकने लगा। मेरा शहर नहीं है, जिला नहीं है, ब्लॉक है, पर वहां पे भी हर घर जो पैसा दे सकते हैं अब वो फिल्टर वाला पानी खरीदने लगा, क्योंकि देश का 70% समझ रहे, लगभग पूरे ही मान लो 30% ही बचा, तो 70% पानी प्रदूषित है। 755 जिले हैं देश में, इसमें से एक तिहाई जिले में या तो आर्सेनिक ज्यादा है या फ्लोरीन ज्यादा है। आर्सेनिक ज्यादा होगा तो कौन सी बीमारी होने वाली है, ब्लैक फुट। बंगाल, दुनिया में सबसे ज्यादा ब्लैक फुट के केस कहां पर है? तो अगर आर्सेनिक ज्यादा है और उस पानी को पी लिया तो आपको कौन सी बीमारी होने वाली है, और अगर फ्लोरीन पी लिया तो आपको नोक नहीं होने वाली, आपके घुटने मुड़ जाएंगे और आपस में टकराएंगे, और टकराने की कंडीशन को क्या बोलते हैं, नोक नहीं। जब भी कभी पुलिस का मेडिकल दिया होगा तो उसमें क्या चेक करते हैं, दोनों पैरों के बीच में स्केल निकालते हैं और ये देख दें कि निकल जाएगा नहीं, ऐसे गैप देखते हैं कि दोनों घुटनों के बीच में गैप तो नहीं है, मतलब गैप है, अगर जुड़ गए तो दौड़ नहीं सकता ना, नोक नहीं क्यों देखते। जैसे आप पुलिस में भर्ती हो गए और आपके घुटने जुड़े, चोर जा रहा है तो आप ऐसे ऐसे घुटने टकराएंगे तो दौड़ोगे कब? इसलिए जब भी पुलिस की चेकिंग होती तो एक ही
आर्मी या पुलिस, यहाँ तक कि पुलिस जहाँ मेडिकल बहुत ज़्यादा नहीं होता उसमें भी नोक नहीं देखते, ऐसे पैर खड़े करते जोड़ो और ऐसे करके हाथ ऐसे निकालते, अगर दोनों घुटनों के बीच में से हाथ निकल गया मतलब घुटने जुड़े नहीं है। मेरा फ्रेंड था पहली बार नोकनी की वजह से बाहर हो गया था, फिर कोई दिक्कत नहीं, उसने बीच में फुटबॉल लगा ली घुटनों के, फिर सोता था फुटबॉल लगा के, चलता था फुटबॉल लगा के, उसका नोकनी सही हो गया था, अगली बार वो हाँ हो गया था क्योंकि घुटने दूर हो गए। तो नोकनी क्यों हो गया होगा, क्योंकि उसके पानी में क्या ज़्यादा होगा, क्लोरीन। इसके बाद फ्लोरोसिस बीमारी हो जाती, दांतों में स्पॉट बन जाते लाल रंग के, कई लोग हंसते होंगे तो दांतों में ऐसे स्पॉट है ऐसे, तो वो फ्लोरीन के स्पॉट जो बने हैं, ये जो स्पॉट बने हैं ये गुटखा खाने के नहीं है। हाँ तुम लड़की देखने गए उसने हंसा और दांतों में पूरा रेड रेड, वो रासरी खाती है, वो रासरी नहीं खाती है, उसके पानी में फ्लोरीन है और फ्लोरीन की वजह से कौन सी बीमारी हो गई है, फ्लोरोसिस। समझ में आ गया, तो दांतों में जमा हो गया इसको क्या बोलते हैं, फ्लोरिस, इससे वो दांत वगैरह कमजोर हो जाते हैं, घिसने लगते हैं और हड्डियां मुड़ने लगी हैं, इसको क्या बोलते हैं, और ये सब किसकी वजह से होता है, आर्सेनिक की वजह से, कौन सी बीमारी, ब्लैक फुट डिसीज। ब्लैक फुट में होता है पैरों में गैंग्रीन, मतलब ब्लड सप्लाई रुक जाती, पूरा पैर काले रंग का हो जाता और धीरे धीरे वो फिर पैर काटना पड़ता है क्योंकि उसमें ब्लड सप्लाई रुक जाती है, ब्लॉक हो जाती है, और क्या, ब्लड सप्लाई रुक जाएगी तो वो धीरे धीरे पूरी रुक जाएगी, इसलिए वहां से काट देते हैं, है ना। जैसे बताया, एक बताया था, एक सरदार जी थे, उनका एक पैर पूरा नीला पड़ गया था, तो डॉक्टर के यहाँ गए, बोले तुम्हारे लगता है कैंसर फैल रहा है, ये दायां पैर काटना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद बायां पैर भी नीला पड़ गया, डॉक्टर ने बायां भी काट दिया और नकली पैर लगा दिए, नकली पैर भी नीले पड़ गए, तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारा जींस कलर छोड़ रहा है। दो पैर कटने के बाद पता चल गया डॉक्टर को कि पैर तो सही थे, जींस कलर छोड़ता था, पैर नीला हो रहा था। चलो अब देखो चलो, तो हमारे यहां कितना परसेंट पानी प्रदूषित, कितने ब्लॉक में आर्सेनिक और फ्लोरीन ज्यादा, एक तिहाई, टोटल ब्लॉक कितने हैं, 755, इसमें से एक तिहाई में आर्सेनिक और फ्लोरीन ज्यादा। और जबकि पानी की गुणवत्ता का वाटर क्वालिटी जो इंडेक्स बना है उसमें 122 देशों में हमारा नंबर 100, बहुत अच्छी रैंक है। तो रैंक समझ में आ रही, ये बता रहा है कि पानी की क्वालिटी कैसी है, पानी कम ज्यादा की तो बात ही नहीं हो रही, वो तो तुम्हें पता कि पानी है ही नहीं, पर जो पानी है उसमें 70% प्रदूषित है, 101 तिहाई ब्लॉक में आर्सेनिक या फ्लोरीन है और वाटर क्वालिटी इतनी अच्छी है कि दुनिया के 122 देशों में हमारा नंबर। और ये रिपोर्ट 2019 की है, अब 2022 की आन दो, या तो 21 में पहुंच जाएंगे या 22 में पहुंच जाएंगे, पक्का है। तो पानी की उपलब्धता है नहीं, पानी की मांग ज्यादा है और पानी जितना भी हमें उपलब्ध है वो भी प्रदूषित है। तो ये कुल मिला के भारत में पानी की तस्वीर है, अगर देख पा रहे हो तो देख पा रहे हो, देख पा रही कि नहीं, कौन सा, अफ्रीका कोई देश होगा, देखना पड़ेगा, मैंने देखा नहीं है, देखेंगे आ जाएगा। अब देखो, अब ये पानी गंदा क्यों हो रहा, अब सवाल आता है कि 70% पानी प्रदूषित क्यों, ये सब क्यों, कितना टाइम हो, देखते रहे ना, 9:30 तक चलनी है। चलो अब देखो, अब बोर तो नहीं हो रहे कैसे, अरे यही तो पूरा हो जाए, दो आर्टिकल इसके पढ़ाने हो भी पाएंगे कि नहीं, वो स्लाइड ले लेना दिव्यांशु से, दिव्यांशु से स्लाइड ले लो पेन ड्राइव से। अब देखो सुनो, एक कान में लगा लिया करो, एक खोल लिया करो, अरे तो एक लगा लिया करो, एक खोल लिया करो। जैसे हमारे एक देव लाव काम करता, देव, एक तो देव नाम से मुझे धड़कन में शिल्पा सेट्टी और देव एक तो ऊपर से उसके वॉलपेपर में उसकी गर्लफ्रेंड का फोटो, तो भैया बिल्कुल सुनील सेट्टी टाइप का ही है, ऊपर से दोनों कानों में लगा के गाना या फ्री फायर गेम, तो उसे कुछ भी बोलते रहो कि पानी चाहिए, कुछ चाहिए, उसे नहीं, खुद ही ले लो, है ना, पता चला तुम उससे मांग रहे पानी, बोले भाई मार 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 मार, फिर उससे कहा गेम खेलो कोई दिक्कत नहीं, एक कान खोलो, है ना। पंकज सर के रूम पार्टनर था, उन्हें नहीं पता था पबजी में ऐसे पब खेल सकते, तो सर्दियों के दिन थे, उनका रूम पार्टनर ऐसे रजाई ओढ़ के
और कह रहा भाई मार 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 मार। अगले दिन पंकज सर आए और बोले मेरे रूम पार्टनर को नींद में बड़बड़ाने की आदत है। मैंने क्या बड़वा था? बोले भाई मार मार बंदा बंदा बंदा। मैंने कहा वो नींद में नहीं बड़वा रहा, वो पबजी खेल रहा। तो उन्हें लगा कि ऐसे बड़बड़ा रहा। चलो अब देखो, अब सवाल है कि पानी गंदा क्यों। तो पहली बात कि हमारे देश में जो पानी में निवेश किया जा रहा वो इन्वेस्टमेंट है अपर्याप्त। जितना हमें पैसा पानी में इन्वेस्ट करना चाहिए वो अपर्याप्त। और दूसरा विलंबित, मतलब देर से निवेश किया जा रहा। या तो जो पानी में पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा वो पैसा कम है, जितना पैसा हमें चाहिए या तो उससे पानी कम मिल रहा है, या जब चाहिए तो उससे लेट मिल रहा। जैसे कोई स्कीम 2019 से शुरू हुई, 2014 से शुरू हुई। जल संकट 2014 का है, जल संकट 2019 का है नहीं है। पर प्रॉब्लम है, हाँ प्रॉब्लम ये है कि या तो पैसा जो लग रहा है वो बहुत कम लग रहा है, या जो पैसा लग रहा है वो बहुत देर से लग रहा है। अब इसमें ये बता रहे हैं कि पहली समस्या तो ये समझ में आ गई, दूसरे समझ में आ रही है। पहली प्रॉब्लम समझ में आ गई, पहली समस्या इन्वेस्टमेंट की कि इन्वेस्टमेंट चाहिए। देखो तुमने नहर बना दी इंदिरा गांधी नहर, अच्छी बात है। क्या इंदिरा गांधी नहर का मेंटेनेंस नहीं चाहिए? अगर उस नहर में काई जम गई तो उस नहर से जो पानी जाएगा वो साफ जाएगा, समझो ना। अगर तुम्हारी कोई कैनाल लोहे के पाइप से है कि उसमें जंग नहीं लग सकती और उस जंग लगे से पानी जाएगा, तो इसका मतलब तो भी तुम वाटर स्ट्रक्चर बना रहे हो, क्या उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए साफ सफाई में? तुम्हारे गांव में तालाब है, क्या हर गर्मियों में जब सूख जाता उस तालाब की खुदाई नहीं चाहिए? उसमें से कचरा बाहर नहीं निकालना, क्योंकि लोग नहाते हैं तो कोई पॉलीथीन छोड़ देता है ना, कोई साबुन का बुत रेपर तो घुल ही जाएगा, कोई देखे कोई अंडरवियर तैर रही है तो साफ नहीं करवाओगे? पता चला एक मछली तैर रही है उस पर रूपा बैठ गई, बोले जे का है। तो इसका मतलब है कि ये होता होगा जब भी तालाब सूखे गांव में गर्मियों में, जरूर गांव में देखने जाना कि साल भर के लोग के कारनामे क्या क्या है। हाँ गांव में और क्या चलता है, रूपा लक्ष। अब सुनो, तो पहली समस्या है, सुनो सुनो ये रियल है दोस्तों, जो मैं बोल रहा हूँ इनमें से कुछ भी गलत नहीं है। मेरे गांव में ताला वाला आप सारा सब देखा हुआ है। देखो मैं दिल्ली में मुखर्जी नगर में पढ़ा, तो मेट्रो सिटी भी देखी हुई है और आसपास के गांव भी, कि हम लोग भले ही कस्बे में रहते पर मैच वैच हम लोग के गांव में होते थे। जैसे पता चला हमारे गांव का दूसरे गांव से मैच चल रहा, और इतना जोश रहता कि गांव की पूरी पब्लिक आती थी, और गांव में जो लोग थे वो बहुत बड़े बड़े, हम लोग 9th-10th में रहते थे, वो लोग 40-45 साल के बाल बच्चे वाले, और हम लोग जीत जाते थे। तो गांव वाले उन्हीं को ताने देते थे कि देखो छोटे छोटे बच्चों से आ गए। इसके बाद मैच खत्म होने के बाद स्वागत बहुत अच्छा, कोई अपने गांव में चाय पिला रहा, कोई नाश्ता करा रहा है। बोले हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे और हम लोग बस से जाते थे 7-8 किलोमीटर, तो गांव में स्वागत बहुत होता था। कोई आके तिलक लगा रहा, यही बहुत था हम लोगों के लिए, ऐसा लग रहा था वर्ल्ड कप खेल रहे। और जब हमारा मैच हुआ था एक गाँव था, तो उसमें उस गाँव की महिलाएं मैच देखने आती थी, तो 5 से 6 ट्रैक्टर भर के आए थे ट्रॉली में पूरे, वो लोग देख रहे, महिलाएं ऐसे घूंघट डाल के, आई जीजी के तो छोटो सा लड़का खेल रहा। तो मजा अलग आता था। चलो और क्या, तो और क्या, अभी घूंघट रहता था उसी में उन्हें दिखता रहता था, जो ट्रांसपेरेंट रहती होगी साड़ी। चलो अब देखो, तो जल प्रदूषण का पहला कारण है कि निवेश अपर्याप्त है और निवेश। दूसरा प्रॉब्लम है भू जल पर अति निर्भरता। तुम जितना ग्राउंड वाटर निकालते जाओगे, शुरू का पानी तो साफ होगा, पर जितना एक्वीफेरस रॉक बोलते हैं, जल भृत चट्टाने, जिन चट्टानों में पानी भरा रहता है उन्हें जल भृत चट्टाने कहते हैं, तो ऊपर का पानी साफ है, पर जैसे जैसे ग्राउंड वाटर नीचे जाएगा, कि 2 मीटर पानी तो जा चुका है, देश के 1/3 कुएं में 2 मीटर पानी नीचे जा चुका है, और मेट्रो सिटी में 4 मीटर पानी नीचे जा चुका है। तो जितना पानी नीचे जाता जाएगा पानी की गुणवत्ता खराब होती जाएगी। तो दूसरा कारण है भूजल पर अति निर्भरता, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर कौन यूज कर रहा है, सबसे ज्यादा हम टोटल जितना पानी खर्च करते हैं उसका सतही जल नदी तालाब से 55% लेते हैं और 45% ग्राउंड वाटर से लेते हैं। तो पहला कारण समझ में आ गया भूजल का प्रदूषित होने का, दूसरा कारण समझ में आ गया, इसके बाद तीसरा है उद्योग, प्रदूषणकारी उद्योग। जितनी इंडस्ट्रीज होती है अपना कचरा सीधे किसमें डाल देते हैं, पानी में। पिछले इसमें डेटा दिया है कि 2011 से 2018 के बीच में
प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की संख्या में 136% की वृद्धि हो गई है। तो पानी कम होता जा रहा है और उद्योग, तो पानी का प्रदूषण का लेवल कम होगा, बढ़ेगा, क्योंकि पानी कम है, ऊपर से कचरा ज्यादा है। क्योंकि पिछले 7 साल में उद्योगों की संख्या 136% बढ़ गई, मतलब अगर 100 उद्योग थे तो अब 236 हो गए। तो प्रदूषणकारी, ये उद्योगों की संख्या नहीं बता रहे, ये प्रदूषणकारी उद्योगों की संख्या बता रहे। ये डेटा याद रहेगा कि नहीं? चलो इसके बाद अब प्रयास, ये समझ में आ गया? तो हमने देख लिया पानी की कमी कितनी है, पानी के पॉल्यूशन की समस्या, ये सब देख लिया। अब प्रयास देखते हैं। तो भारत में पहली बार जल नीति बनी 1987 में। तो पहली जल नीति कब बनी? 1987। दूसरी जल नीति बनी 2002 और तीसरी जल नीति बनी 2012। तो अभी 2012 की ही वाटर पॉलिसी चली आ रही। तो ये हो सकता, हो सकता कभी आप प्री का क्वेश्चन दो आ जाए कि भारत में पहली बार वाटर पॉलिसी कब बनी, क्योंकि इस तरह की चीज किसी सब्जेक्ट में नहीं पढ़ाई जा सकती। पहली बार वाटर पॉलिसी देश में कब बनी कहां पढ़ा दे? थोड़ा बहुत एनवायरमेंट में आ सकता, हो सकता है वहां चूक जाए। तो अगर ये याद रह गया तो हो सकता है यहां से सही हो। तो भारत ने क्या किया, पानी के मैनेजमेंट को अच्छे से चलाने के लिए वाटर पॉलिसी बना रखी है। सबसे पहली कब बनाई थी? 1987, फिर बनाई 2002, फिर बनाई 2012 और अब 2020 में बनाई है कृत्रिम पुनर्भरण आर्टिफिशियल रिचार्जिंग मास्टर प्लान। ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने बनाया, केंद्रीय भूजल बोर्ड ने 2020 में एक मास्टर प्लान बनाया आर्टिफिशियल रिचार्जिंग, क्योंकि ग्राउंड वाटर खत्म होता जाएगा तो तुम्हें पानी ऊपर से डालना पड़ेगा, इसे बोलते हैं कृत्रिम पुनर्भरण। देखो बारिश आई और ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ गया, वो है प्राकृतिक पुनर्भरण, नेचुरल रिचार्जिंग। तो हर साल मानसून में नेचुरल रिचार्जिंग तो होती होगी, जैसे अभी बारिश हो रहा है, ये सब पानी नीचे तो जा रहा होगा रिस्क, तो वो कैसा नेचुरल, लेकिन नेचुरल रिचार्जिंग कम हो रही है और तुम पानी निकाल ज्यादा रहे, इसका मतलब तुम्हें क्या करनी पड़ेगी। तो अब 2020 में कृत्रिम रिचार्जिंग मास्टर प्लान बन गया है, इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पहले भारत में पानी को 9 मंत्रालय देखते थे, पानी 9 मंत्रालय देखते, पानी का कोई और देखता होगा, पेयजल का कोई और देख रहा होगा, सिंचाई का कोई और देख रहा होगा। क्या पेयजल का पानी सिंचाई का पानी अलग है? नहीं है, पर पेयजल मंत्रालय अलग था और सिंचाई कृषि मंत्रालय के पास था। ऐसे पानी की छोटी छोटी चीजें मिलाकर कितने लोग संभालते थे, तो पानी अच्छे से थोड़ी होता होगा। जैसे अगर पेयजल में पानी बर्बाद हो रहा होगा, ठीक कहता होगा कि हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है, हमारी तो केवल सिंचाई चल गई। तो पहले देश में 9 मंत्रालय होते थे जो पानी को देखते थे, अब भारत में केवल एक ही मंत्रालय है, जल संसाधन। तो हमने 2 विभाग 2 मंत्रालय जोड़ दिए। एक देखो जल संसाधन मंत्रालय अलग होता था, देखो कितने कमाल की चीज है, वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री अलग होता था और ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन मिनिस्ट्री अलग होता था। तो जल संसाधन मंत्रालय अलग होता था, पेयजल मंत्रालय अलग होता था, सिंचाई के लिए कृषि मंत्रालय अलग होता था। तो नदी तालाब के लिए अलग मंत्रालय, कौन सा? जल संसाधन। जितने तुम्हारे देश में वाटर रिसोर्स, उसके लिए अलग से वाटर रिसोर्स। अब हर घर पानी पहुंचाना तो उसके लिए अलग मंत्रालय, और पानी सिंचाई देना तो अलग मंत्रालय। ऐसे करके 9 मंत्रालय होते थे। अब हमने ये मंत्रालय खत्म कर दिए, पेयजल मंत्रालय खत्म हो गया और जल संसाधन मंत्रालय खत्म हो गया, अब अलग से एक ही मंत्रालय बना दिया, कौन सा? तो अब मैनेजमेंट ज्यादा अच्छा होगा कि नहीं, कोऑर्डिनेशन ज्यादा अच्छा होगा कि नहीं, कि पानी की पूरी जिम्मेदारी एक इंसान पे। अब वो देखेगा चाहे पानी सिंचाई का हो, चाहे पानी ग्राउंड वाटर का हो, चाहे तालाब का हो, चाहे नल से पानी का, एक मंत्रालय पूरा मैनेजमेंट देखेगा ना। अब देखो जल संसाधन है मतलब तालाब इसके पास है, जैसे तिघरा का पानी इसके पास होगा और तिघरा से पानी लाना वो इसके पास होगा, एक ही मंत्रालय को दे दो ना, वो तिघरा को भी मेंटेन कर लेगा और तिघरा से पानी भी ले आएगा, ये ज्यादा अच्छा है ना। जैसे ये पानी ला रहा है, अब पानी उसमें गंदा आ रहा है, तो ये क्या बोलेगा, हमारी गलती थोड़ी है, तिघरा को मेंटेन तो दूसरा मंत्रालय कर रहा है। आ रहा समझ में कि नहीं? और इसके बाद कहीं पानी लीक हो रहा है तो ये कहते हमारी जिम्मेदारी थोड़ी इसके। तो जब 2 अलग अलग मंत्रालय होंगे, कभी भी द्वैत शासन अच्छा कहाँ चला? बंगाल में जो सबसे बड़ा काल आया 1772 में, उसका कारण भी क्या था? क्योंकि बंगाल का प्रशासन नवाब के पास था और बंगाल का रेवेन्यू अंग्रेजों के पास था। तो जब 2 चीजें 2 अलग लोगों के पास बांट दी जाए तो सब गलती दूसरे पर डाल देते, हमारी गलती नहीं इसकी।
अब भारत ने क्या किया, पानी से जुड़ा पूरा मैटर एक ही मंत्रालय को दे दिया। पहले ये मैटर कितने लोगों के पास थे, और दो मंत्रालय खत्म ही कर दिए, उनको मर्ज कर दिया, एक बना दिया। तो क्या अब भारत में पानी का प्रबंधन और प्रशासन, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन बेटर होगा कि नहीं? होगा, होगा। तो हमने वाटर पॉलिसी बनाई, पहली कब बनाई, दूसरी, तीसरी, 2020 में कोई मास्टर प्लान बनाया, कृत्रिम पुनर्भरण मास्टर प्लान 2020, आर्टिफिशियल रिचार्जिंग मास्टर प्लान 2020, जो केंद्रीय भूजल बोर्ड, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने बनाया है। इसके अलावा हमने मर्जिंग कर दी है एडमिनिस्ट्रेशन की। इसके अलावा जब ये जल शक्ति मंत्रालय बना, जैसे मर्ज कर दिया, तो इसने पहली बैठक में बोला कि 2024 तक हर घर तक पानी पहुंचा देंगे और उसका नाम होगा जल जीवन मिशन। तो जैसे ये मंत्रालय बना और इस मंत्रालय की पहली बैठक हुई, तो पहली बैठक का पहला ही डिसीजन था कि देश में 2024 तक हर घर में पेयजल को पहुंचाएंगे। किस मिशन के द्वारा? जल जीवन मिशन के द्वारा, ठीक है। और इसको लॉन्च कर दिया प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले से। तो 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री जी ने इस मिशन को लॉन्च किया। तो डिसाइड किया जल शक्ति मंत्रालय ने कि कैसा कुछ मिशन चलाएंगे। पर बीजेपी गवर्नमेंट में हर चीज मोदी जी अनाउंस करते हैं, उनका चेहरा है। अब देखो, इसके अलावा जहां जहां ग्राउंड वाटर की समस्या है वहां कौन सी स्कीम शुरू कर दी, ये भी 2019 में शुरू कर दी। पर अटल जी का जन्मदिन कब होता है? तो देखो, जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को शुरू किया, उसी 15 अगस्त को लाल किले से अटल भूजल योजना भी शुरू कर सकते थे, लेकिन अटल जी का जन्मदिन 25 दिसंबर को होता है, तो हमने कहा अटल जी के नाम वाली योजना अपन 25 दिसंबर को ही लॉन्च करेंगे। तो 2019 को दो स्कीम बड़ी बड़ी लॉन्च हुई, एक है जल जीवन मिशन जो 2024 तक हर घर में पाइप से पानी पहुंचाएगा, 2024 तक, क्योंकि अभी तक हमने क्या बोला 2.17 लाख गांव में आज भी पानी अभी तो पड़ा था हमने, लेकिन 2024 तक पहुंच जाएगा। कौन से मिशन के द्वारा? कब अनाउंस किया? 15 अगस्त 2019। तो अगर 3 मार्कर में आता है MPPSC में, तो 3 मार्कर में जल जीवन मिशन लिख दोगे, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित, 15 अगस्त 2019 को प्रारंभ, 2024 तक प्रत्येक घर में पेयजल, पाइप युक्त पेयजल का लक्ष्य, ये 3 पॉइंट लिख दोगे। इसके बाद अटल भूजल योजना, ये 25 दिसंबर को शुरू किया, ये सब जगह नहीं, आई थिंक 6 या 7 राज्यों में, ये पूरे देश में नहीं है, केवल 6 या 7 उन राज्यों में जहां भूजल का स्तर बहुत कम है, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, ऐसा कुछ है, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ऐसा कुछ बना इंडिया के मैप में क्रम से है ऐसे, मतलब हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, MP, ऐसा कुछ सीक्वेंस है, मैप में देखना, बिल्कुल सीक्वेंस है, वही राज्य है। तो इन राज्यों में चलाया जाएगा अटल भूजल योजना। इसके अलावा 2016-17 से चल रही है प्रधानमंत्री कृषि विकास, कृषि सिंचाई योजना, तो PMKSY 2016-17 से चल रही है, और ये बोला कि 5 साल में सिंचाई में 50,000 करोड़ खर्च करेंगे। तो 2016-17 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई जा रही है, जिसमें 5 साल में कितना पानी खर्च किया जाएगा, 5,000 पैसा खर्च किया जाएगा, 50,000 करोड़। इसी में आएगा तुम्हारा ड्रिप इरीगेशन, इसी में आएगा माइक्रो इरीगेशन, क्योंकि तभी तो सिंचाई में पानी बचाओगे, जब टपकन सिंचाई, बूंद सिंचाई, फब्बारा सिंचाई, स्प्रिंकलर, ये सब है, ठीक है। तो ये, इसके अलावा नमामि गंगे, राष्ट्रीय नदी जोड़ो, जल विज्ञान, राष्ट्रीय जल मिशन, जल क्रांति, जल शक्ति, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, राष्ट्रीय जल व्रत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम, इनके अलावा इतने कार्यक्रम और चलाए जा रहे। तो अगर एग्जाम में आएगा भारत में जल के प्रदूषण को रोकने के लिए या जल के प्रबंधन के लिए भारत सरकार ने अब तक कौन कौन से प्रयास किए हैं, तो सबसे पहले जल नीति की बात करोगे कि 1987-2002-2012 जल नीति, केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा 2020 में कृत्रिम पुनर्भरण मास्टर प्लान बनाया गया,
2019 में दो बड़ी योजनाएं लॉन्च की, कौन कौन सी? 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन, टारगेट क्या है? 2024 तक हर घर में पाइप युक्त पेयजल, पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, एवरी हाउस होल्ड, आपको हर घर तक पहुंचाना है पाइप युक्त पेयजल, कब तक? 2024। और 25 दिसंबर 2019 को कौन सी शुरू? ध्यान रखना, जो भी स्कीम 25 दिसंबर को शुरू हो वो अटल जी के नाम पर ही होगी। अटल भूजल में जहां ग्राउंड वाटर है वहां रिचार्जिंग करनी है, वहां रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब जिन राज्यों में वहां कंपलसरी करेंगे, अभी इसमें देखेंगे, इसमें कंपलसरी, जैसे मध्य प्रदेश में दिक्कत है तो घर, जैसे मुझे घर बनाना है तो मुझे नगर निगम, ग्वालियर नगर निगम तभी अनुमति देगी जब अपने घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग छत पर बनाऊंगा, कि छत का जो भी पानी होगा वो पूरा पानी ग्राउंड में जाना चाहिए, अगर मैं छत पे बनाऊंगा तो ही परमिशन, इस तरह की चीजें बनेगी, उसे अटल भूजल योजना होगा। इसके अलावा कृषि सिंचाई योजना 2016-17 से चली आ रही है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों का बताया है कि सिक्किम ने धारा विकास योजना शुरू कर दी, राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान शुरू हो गया, महाराष्ट्र में जलयुक्त शिविर शुरू हो गया, गुजरात में सुजलाम सुबलाम अभियान शुरू हो गया, तेलंगाना में मिशन काकती शुरू हो गया, आंध्र प्रदेश में नीरू चेट्टू शुरू हो गया, बिहार में जल जीवन हरियाली शुरू हो गया और हरियाणा में जल जीवन, जल ही जीवन शुरू हो गया। तो केवल भारत सरकार ही नहीं काम कर रही, अलग अलग राज्य भी अपने लेवल पे काम कर रहे हैं और हर राज्य ने कोई ना कोई स्कीम पानी के लिए शुरू कर दी। इसमें 2-3 नाम याद कर लो, मतलब भारत में तो संघीय शासन है ना, अकेले पानी की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थोड़ी होगी, हमारे यहाँ सहयोगात्मक संघवाद है ना, केंद्र जो काम करेगा उसमें राज्य सहयोग करेगा और राज्य जो काम करेगा उसमें, तो भारत में क्या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तुम्हारे सिलेबस में है, सहयोगात्मक संघवाद, तो तभी होगा ना जब केंद्र सरकार भूजल योजना जल जीवन शुरू करे और राज्य नीरू चेट्टू जल जीवन हरियाली ये शुरू करे। ये समझ में आ गया कि नहीं? किसमें? हाँ बिल्कुल। तो ये हो गया पहला आर्टिकल जिसमें जल संकट और जल का प्रबंधन दोनों देखा है। इसके डेटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका अगर डेटा याद हो गया तो पानी से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन या कोई भी निबंध तुमसे नहीं छूटेगा। डेटा एक बार फिर से घर पे जाके और अंडरलाइन कर लेना, नोट या अलग से रजिस्टर बनाने की बहुत खास जरूरत है नहीं, आपको केवल डेटा उसको 2-3 बार पढ़ना याद हो जाएगा। तो पहला आर्टिकल हो गया कंप्लीट, अब पढ़ते हैं, कितना टाइम है? 6 मिनट बचे हैं। चलो है? हाँ देखो, रीड करना ऐसा है जैसे मैंने पढ़ा दिया ना, अब रीड करना आसान है, जैसे मैं घर से पढ़ के आया और अंडरलाइन कर दिया तो मेरे लिए पढ़ाना आसान हो गया। अगर मैं घर से अंडरलाइन करके नहीं आता ना तो फिर मैं पूरी लाइन पढ़ता, अब वो अंडरलाइन था तो मुझे वो पूरा आर्टिकल पढ़ाना बहुत आसान हो गया, क्योंकि सीधे 1545, 1700, 1100 अंडरलाइन था तो 1100 दिमाग में था, अच्छा ये वो पानी है जो 2050 में बचे, 1545 वो पानी जो 2011 में था, 1700 वो पानी जो होना चाहिए, तो अंडरलाइन होने से मुझे फायदा हो गया, मैंने इजीली पढ़ा दिया तो आपने एक बार सुन लिया, अब आप इसको पूरा रीड करोगे तो आपको पता चले अच्छा ये डेटा बोला था, ये डेटा बोला था, ये डेटा बोला था, ये डेटा, तो आपको ये पता चल जाएगा कौन कौन सा डेटा एटलीस्ट हमें याद करना है। और हमें ऐसा लग रहा है इतना डेटा याद कैसे होगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी वाटर डे होगा, जल दिवस होगा, हो चुका, कब होता है वाटर डे? बाईस मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस होता है, उसमें ये सारे डेटा आए थे, न्यूज़पेपर के आर्टिकल सारे डेटा आए थे। आगे चल के फिर भी पानी की कोई बात होगी फिर डेटा आएगा, आज जल संसाधन कुरुक्षेत्र में आया, 2-3 महीने बाद योजना में आएगा और फिर से वही डेटा फिर आएगा। तो आपको लगता है डेटा कितनी दिक्कत है, पर ये डेटा आपको साल भर में 8-10 बार टकराने वाला, और जो चीज़ आपको 8-10 बार टकराएगी तो दिमाग में तो घुसेगी ना, और कुछ चीज़ें ऐसी होती जो याद नहीं करनी पड़ती, वो बार बार टकराती रहती तो अपने आप घुस जाती है, ठीक है। तो एक होता कॉन्शियस माइंड जिसको आप रट रहे हो, एक होता सब कॉन्शियस माइंड जिसको आपने कभी नहीं रटा पर आपको इतनी बार देख लिया, जैसे आप यहां से लेकर घर तक जाते हो तो जितने होर्डिंग शॉप्स वगैरह इनको रटते जाते हो, पहले कल्लू किराने स्टोर फिर ये डेयरी, ऐसा नहीं करते हो ना, ऐसा आप नहीं जाते हो कि ये दुकान पड़ेगी वे दुकान पड़ेगी, पर आप डेली उससे टकराते हो कि नहीं, आपको डेली दिखता जाता, आप कभी नहीं रटते हो,
लेकिन आपसे कोई पूछे कि भैया फला फला दुकान, बोले ऐसे चले जाओ ऐसे चले जाओ, कैसे याद हो गया? इसके मतलब बार बार सामना हो रहा उन चीज़ों से, वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में है जो तुम्हें पता नहीं तुमने याद कर लिया है, तुम्हें पता भी नहीं है, लेकिन जब भी आवश्यकता होती है तो वो आ जाती है। तो कुछ चीज़ें तुम रटते हो, और मेरा मानना है कि जीएस को कभी रटो मत, जीएस से बार बार सामना करो, बार बार उसको पढ़ो, है ना, वो बार बार अपने आप ऐसे पहुंच जाएगी तुम्हें याद भी नहीं करना पड़ेगा, कभी भूल भी नहीं सकता। तुम्हें अगर पूछेंगे तुम्हारे रास्ते में कितनी दुकानें पड़ती हैं, बता नहीं पाओगे, कहाँ मोड़ पड़ते नहीं बता पाओगे, आँख बंद करके बता दोगे, अच्छा वही तो कल स्कूटी वाली टकराई थी। तुम तो सब बता दोगे कौन टकराया था कौन नहीं टकराया था। ठीक है, तो अपन देखेंगे इसके आगे, ठीक है, कोशिश करेंगे अगली बार क्लास 3-4 घंटे की हो जाए।